भैया एक लेके चलते डिग्गी में डाले इसको। सब्सक्राइब ब्रो सब्सक्राइब। तेरा कितने का है भाई? 1 करोड़ रुपए। भाई तेरा कितना है भाई? 1.5 करोड़ रुपए का। अगर नहीं समझे तो यार फ्लेवर मुझे याद नहीं हुए। ये कौन सा? चेक करिए, देखिए जगा दो वो नींदे, लौटा दो हमें फिर सुला दो, गुजारिश यही ख्वाबों में आके संभालो ठहर जाओ वैसे जैसे कभी। और तुम ये जानो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बल्कि वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे कैसे गुजर रहे हैं आप? जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही, मजेदार गुजर रही। भाई साहब मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ हुआ है 2 दिन से, अनबिलीवेबल। कल बारिश हुई थी, आज भी बारिश का इम्कान है, तो मैं बाहर निकल आया। मैंने कहा जाए मौसम एंजॉय करते हैं फुल ऑन। और सीन ऐसे है कि मौसम एंजॉय करते करते मुझे जो है ना भूख लग गई है, और मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं पिज्जा खाऊं। काफी टाइम से पिज्जा नहीं खाया। सुमन को कॉल किए, वो रेडी हो रहा है और मैं उसको जाके उठाता हूँ, पिक करता हूँ। हम जा रहे हैं पिज्जा बेला पे पिज्जा खाने की। इसकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उन्होंने हमें इनवाइट किया था काफी टाइम से, तो आज हम फाइनली वहाँ जा रहे हैं। अच्छा सा रिव्यू देंगे, खाएंगे, बताएंगे ऐसा है, लोकेशन वोकेशन सब होगा। तो जितना हो सके आपने सपोर्ट करना है, ये रही सपोर्ट की लिंक। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम ब्लॉग्स बनाएंगे और मजे के ब्लॉग्स आने वाले हैं। और समझेंगे शायद मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हो सके सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब। और भाई के बाल जो है ना वो चेंज हो गए, अनबिलीवेबल, छोटे छोटे करवा लिए मैंने, चेक करें आप। हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। सीन ये है कि अब्दुल समद मेरे साथ आ गया, सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तेरा तो गेम बचाना पड़े। और दूसरा सीन ये है कि फहद मुस्तफ़ा की जो है ना मूवी आने वाली है, कायदे आज़म जिंदाबाद। काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, ग्रो नहीं कर रही। भाई इतना तो ग्रो कर रही है, उसके आगे क्या करें। अब जाके आपकी उनकी प्रोडक्शन चेक करो, उनकी कहानियाँ चेक करो, बहुत ही बेहतरीन काम करी है। तो आपने जल्दी से जल्दी बुक करवानी है और ईद पे जाके फुल ऑन मजे के साथ देखनी है। बहुत मजेदार मूवी है, ट्रेलर तो आप देख चुके होंगे, नेक्स्ट लेवल है। तो भाई मंडी लगी हुई है, जानवरी जानवर होंगे। यार वैसे मैंने बड़ा नोट किया ये सोशल मीडिया पे जो है ना आजकल बड़ा मतलब ट्रेंड चल रहा है। भाई तेरा कितने का है? भाई 1 करोड़ रुपए। भाई तेरा कितना है? भाई 1.5 करोड़ रुपए का। क्या फायदा यार ये चीज बता के सारी बरकत निकाल देते हो उस चीज। 6 करोड़ तो हम लेके घूमते हैं, भूल गए क्या? 6 करोड़ तो जेब में लेके घूमते हैं। जेब में नहीं, समझ रहे हो? ये गलत बात है। समझ चुके तो कमेंट करो, अगर नहीं समझे तो भैया एक लेके चलते हैं डिग्गी में डाले इसको। बेरोजगारी चल रही है, पेट्रोल महंगा है, इसको लेके घूमेंगे। हमारे पास एक औरत आई थी, मैं किस्सा बताता हूँ। वो कोई गांव साइड पे आई थी, ठीक है। वो बड़ा फकर से बता रही थी, आई बोली मैंने अपने बेटे को 1.5 लाख रुपए की गाड़ी लेके दी। मैंने बोला गाड़ी अब कौन सी 1.5 लाख रुपए की होती है? बोली वो नहीं होती, वो गधे गाड़ी के पीछे गधे के पीछे लगता है। आर यू कॉमेडी मी? वो लेके दिया है। मैंने बोला अच्छा फिर गधा कितने का लेके दिया? बोला 1 लाख रुपए का तो गधा है। आर यू कॉमेडी मी? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। सब्सक्राइब ब्रो सब्सक्राइब। आप लोग देखते हैं, काफी लोग ऐसे जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा जी फाइनली हम पिज्जा बेला पे पहुंच चुके हैं। राफी भाई ने हमें इनवाइट किया था कि आप हमारे पिज्जा पे आए, उनको टेस्ट करें, अच्छे अच्छे रिव्यू दें। तो वो जैसे ही आते हैं फिर हम आपको उनसे मुलाकात करते हैं। लोकेशन भी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी और मेन्यू भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऐसा सीन है। तो कुछ समय और में फाइनली पहुंचेंगे। भाई कैसा लग रहा है सेटअप इनका? सेटअप को सेटिंग एरिया थोड़ा कम है लेकिन सेटअप अच्छा। All I do on earth is just a yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again, again, again. Mama used to try and tell me no man isn't on it, but I think I feel like drifting away.
सेटअप ना बड़ा मिनिमल सा है। इन्होंने दो दुकानें ली हुई, एक साइड पे इन्होंने किचन बनाया हुआ अच्छे तरीके से, एक साइड पे काउंटर बनाया हुआ है, इन्होंने बैठने का सारा निज़ाम बाहर रखा हुआ है। इनका मोस्टली जो है ना टेक अवे बड़ा माशाल्लाह से अच्छा चलता है और होम डिलीवरी भी अच्छा चलता है। लेकिन जो होम डिलीवरी के जो नंबर है वो मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और आपके स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। हैदराबाद के लोगों जाओ ज़रा इसको जो है ना खींच के ऑर्डर करो। अच्छा जी, राफे भाई आ चुके हैं इस पिज़्ज़ा बेला के ऑनर, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, इन्वाइट किया है। राफे भाई क्या हाल है, कैसे? ठीक ठाक, मज़े में। ये कब से शुरू किया, क्या कैसे इनिशिएटिव लिया, क्या सीन था, थोड़ा हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। जैसे था बैठे हुए थे तो सोचा फिर कुछ करें, तो पिज़्ज़ा अपना खोला, 2 महीने हुए खोले हुए, 2 मंथ हुए। अच्छा, अलहमदिल्ला अच्छा चल रहा है। और क्या क्या है अपने पास? अपना पिज़्ज़ा है, पास्ता है और इंशाल्लाह आगे आइटम बनाएंगे, दिल है आइटम बढ़ाएँ। कोई बेस्ट आपके फ्लेवर पिज़्ज़ा के कौन से हैं अभी? बेस्ट चल रहे हैं भाई, एक रोल स्मोकी है, ठीक है, एक टेक्स मैक्स चिलियन है और दूसरा हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा बेला स्पेशल। पिज़्ज़ा बेला स्पेशल में क्या क्या होता है? पिज़्ज़ा बेला स्पेशल में 2 तरह की चिकन लगती है हमारी खुद की जो बनाई हुई होती है, ठीक है, ब्लैक ऑलिव टॉपिंग होती है, मशरूम की होती है, जलाबीनस की होती है, बाकी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारी, आप ट्राई करें इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आए। और डिशेज़ आप ऐड करेंगे इसमें? जी मूड है इंशाल्लाह आगे कुछ। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन आपको पड़ेगी लुधियाबाद 2 नंबर है, कार्डियो हॉस्पिटल कॉर्नर पड़ता है, उसी स्ट्रीट के अंदर आएंगे आप तो आपको दिख जाएगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता दें। फेसबुक पे हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है। किस नाम से? पिज़्ज़ा बेला स्पेशल के नाम से। पिज़्ज़ा बेला स्पेशल के नाम से। चले फिर आज हमें क्या खिला रहे हैं आप? आपको आज ट्राई करा दें इंशाल्लाह, पिज़्ज़ा बेला स्पेशल हमारा, ठीक है, और दूसरा फ्लेवर हमारा रोल स्मोक। ये नोएल भाई है, ये हमें पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। नोएल भाई क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कितने टाइम से काम कर रहे हो? तकरीबन 6 साल हो गए मुझे। अच्छा, और ये सारा सेटअप बताओ। ये हमारे पास सब ब्रांड होता है, अपना कैनन्स का चिकन है हमारे पास, डेली आता है, और ये चीज़ है हमारे पास, ये भी हमारे पास डेली आती है, वेजी जो है हमारी ये डेली कटिंग होती है, उसके अलावा ये जो सॉस है ये डेली बनती है, उसके अलावा ये डो है ये बिल्कुल फ्रेश होती है, एकदम डेली बनती है, ये भी हमारे पास। अच्छा, हैंडमेड है ये। चले अब हम देखते हैं कि नोएल भाई हमें कितना मज़ेदार तरीके से ये बना के दिया था। अच्छा बताएं इसमें क्या 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 इंग्रेडिएंट लगेंगे अभी? इसमें एक होता है बेला स्पेशल, बेला स्पेशल में हम ये शिमला मिर्च और अपना ये ऑलिव और जलेपिनो लगाते हैं, और जो हमारे पास रॉयल स्मोकी है उसमें खाली हम जलेपिनो लगाते हैं, इसमें सॉस का फ़र्क होता था। भाई फाइनली पिज़्ज़ा रेडी हो गया और वो हमारे सामने आ रहा है। खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैंने भाई को कहा भाई जल्दी डब्बे में डालो इधर ले आओ और हमें खाना है। तो भाई साहब ये पिज़्ज़ा आ गया है। यार फ्लेवर मुझे याद नहीं हुए, ये कौन सा फ्लेवर है? रॉयल स्मोकी ये फ्लेवर है, और ये है कहाँ गया इसका, इनका बेला स्पेशल। सबसे पहले अब्दुल समद आप ट्राई करो, बेला स्पेशल ट्राई करो जो इनका अपना है। वी आर चीज लवर्स। काफी गर्म है। मेरे लिए बचाना भाई, अब इसको ट्राई करो। इसको आप करो, इसको मैं करूँ, ये लो।
अब मैं करने जा रहा हूँ स्मोकी। ये देखें पहले इसका टेक्सचर चेक करें। ये देखें अब इसको आपने ऐसे तोड़ना है ऐसे। इसकी डो देखें कितनी मज़ेदार है और चीज़ की जो मतलब वो स्टिफनेस वो कितनी ज़्यादा है। ये देखिए अंदर फूल जूस भर गया भाई। चीज़ इतनी ज़्यादा है कि चीज़ का बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आ रहा है ऑनेस्ट रिव्यू। और स्मोकी सॉस थोड़ी सी ना खट्टी खट्टी सी स्पाइसी भी लेकिन खट्टी खट्टी सी है। और चिकन बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। बहुत अच्छा उसको इसे तोड़ के देख करते हैं। गर्मा गर्म टेन आउट ऑफ टेन देना चाहता हूँ मैं इसको। इसको गेम ने भी ट्राई नहीं किया। ये ट्राई करो। लेट्स ट्राई दिस वन ऑलिव ऑयल जलेपिनोज और शिमला। उसी तरीके सेम तरीके से पास करो। सेम तरीके से इसमें चीज़ बनी हुई है। डो इसका बड़ा मज़ेदार है। Awesome. पूरा एकदम भर गया टेस्ट के साथ। डिलीशियस। आप वीडियो बना दे रहा मैं खा रहा हूँ। यार आफे भाई पिज़्ज़ा बड़ा मज़ेदार था। बेहतरीन। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि वो आएँ। और आपके लिए दो फ्लेवर जो मैंने खाए हैं ये तो बड़े मज़ेदार है। बाकी फ्लेवर इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ट्राई करेंगे और उनका भी हम रिव्यू बनाएंगे कि कैसा है क्या सीन है। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जितना हो सके आएँ पिज़्ज़ा बेला पर। ये इनका एड्रेस है, ये चेक करें। और टेक अवे होम डिलीवरी सब यहाँ पर अवेलेबल है। और ये नंबर है, ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे ये सारी चीज़ें। वेल बड़ा मज़ा आया हमें पिज़्ज़ा बेला पे आके। इतने कम रेट्स में इतना अच्छा पिज़्ज़ा हैदराबाद में अभी तक मैंने नहीं खाया। खाए हैं लेकिन उनके रेट भी बड़े आए होते हैं लेकिन कम रेट में इतना अच्छा पिज़्ज़ा। लोकेशन ये नहीं पीछे, बार बार मैं लोकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप आएँ जितना हो सके आएँ और जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय व्लॉग। आई होप कि आपको आजकल लोग पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ये दोनों चीज़ें आपने मस्ट करनी है। उससे तो होता क्या है हमें एक तो मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।